अपन अहा संवाद पाहूयात। अपने गठन के बाद से आजादी की लड़ाई को देखा है, उस लड़ाई को जिया है। सरकारों से मुसीबतें भी झेली है, भीषण अकाल और अन्य संकटों को देखा है, विभाजन को देखा है, विभाजन की उस पीड़ा को आपने सहा है और भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का भी आप हिस्सा रहे हैं। अब इस बार की ये एजीएम एक ऐसे समय में हो रही है जब हमारा देश मल्टीपल चैलेंजेस को चैलेंज कर रहा है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। कहीं फ्लड की चुनौती, कहीं लॉकस्ट जो बंगाल में जिसको पोंगोपा कहते हैं, पोंगोपा का कहर, कहीं ओलावृष्टि, कहीं असम में ऑयल फील्ड में आग, कहीं लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक की खबरें। ये भी कम ही होता है कि पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र में एक के बाद एक दो साइक्लोन्स चुनौती बनकर के आए। ऐसे तमाम फ्रंट्स पर हम सभी एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। कभी कभी समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। किसी कसौटी से हम कैसे निपट रहे हैं, मुश्किलों से कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, ये आने वाले अवसरों को भी तय करता है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है, उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। साथियों, ये हमारी एकजुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। मुश्किल समय ने हर बार
भारत के डिटर्मिनेशन को अधिक स्ट्रेंथन किया है। एक नेशन के रूप में देशवासियों के रिजॉल्व को ऊर्जा दी है, संकल्प को शक्ति दी है। यही भावनाएं आज आईसीसी के आपके मेंबर के चेहरे पर भी और देशवासियों के चेहरे पर भी मैं देख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। करोड़ों देशवासियों के प्रयासों में मैं एक नई आशा देख सकता हूं, नया विश्वास देख सकता हूं। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया इसे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है। लेकिन फिर भी एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम एडिबल ऑयल में, फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम सोलर पैनल्स, बैटरीज और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। साथियों, हम देखते हैं परिवार में भी संतान, बेटा हो या बेटी, 18-20 साल का हो जाता है तो मां बाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। हर परिवार में सुना होगा, आप जो मुझे सुन रहे हैं सबने सुना होगा कि 18-20 साल की उम्र में उनके माँ बाप ने उनको कहा होगा कि बेटे, बेटी, अब अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है। भारत को भी अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा। साथियों,
आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट्स का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इसके अलावा हर वो सामान जो भारत का लघु उद्यमी बनाता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले, जो सामान हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े करोड़ों गरीब बनाते हैं, जो दशकों से हमारे यहां बनता रहा है, गलियों मोहल्लों में बिकता रहा है, उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगाने की प्रवृत्ति, इस पर भी हमने आत्मसंयम बरतना है, हमें नियंत्रण करना है। हम इन छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों से केवल चीज ही नहीं खरीदते, पैसे ही नहीं देते, उनके परिश्रम को पुरस्कृत करते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। कभी सोचना, आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और फुटपाथ पर छोटी चीज बेचने वाले की चीज आपने उतर करके खरीदी, वो पैसे नहीं गिनेगा, वो उसकी छाती फूल जाएगी, देखिए मर्सिडीज गाड़ी वाला भी फुटपाथ पर मैं भले बैठा हूं लेकिन उतर करके मेरे से सामान खरीद रखा है, उसकी जिंदगी को एक ताकत मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इससे उनके दिल पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो कितना गर्व महसूस करता है। इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का समय है। साथियों, सालों पहले, दशकों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने लिखा था, द सिंपलेस्ट मेथड टू बी वर्क अपॉन एट प्रेजेंट इज टू इंड्यूस इंडियंस टू यूज देयर ओन प्रोड्यूस एंड गेट मार्केट फॉर इंडियन हार्डवेयर इन अदर कंट्रीज। स्वामी विवेकानंद जी का बताया ये मार्ग पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भारत की प्रेरणा है। अब देश प्रण कर चुका है और देश कदम भी उठा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है।